दोस्तों पलवली गांव में कल एक बड़ी वारदात हुई थी और हम इसमें फरीदाबाद के बीके अस्पताल के मोर्चरी के बाहर खड़े हैं। अभी बात करते हैं परिजनों से, क्या हुआ है क्या नहीं। क्या नाम है? तुलेराम। तुलेराम, क्या हुआ था कल? कल यू है आजी, वो उसके विद्या का लड़का था। अच्छा। वो सुबह सुबह आ गए जी घर पे। उनका बहन चो या तो इन्हें समझा ले, नहीं तो सारे ऐसे मारे लोग आए थे अंदर जी। वो पहले तो दो ही आए थे, माँ बेटा। अच्छा। उसके बाद जब दोनों माँ बेटा आए थे, फिर मेरे एक लड़का एक और आ रहा था, उन्होंने कह रहा घर पे इतना वारदात कर रहे हो, चलो यहाँ तक। जब तो चले गए है क्योंकि बराबर को, फिर उसने फोन करके बुलाए थे। अच्छा। उन्होंने चाचा के तीन और दूसरों एक चाचा हो, तो चाकू से हमला कई लोगों पे किया गया। आपको भी शायद चोट लगी है? नहीं, चाकू लगा था। अच्छा, हाँ आपको भी चोट लगी है? नहीं, चोट नहीं है। अच्छा, चाकू लगा है पूरा जो है। अच्छा, जिसको ज्यादा लगी थी, जिसकी मौत हुई है, उनका नाम क्या है? याद राम। कितनी उम्र थी? कितने बच्चे थे? तो आप लोग कहाँ ले गए थे उनको, जो जब ज्यादा चोट? अमृता में। वहाँ बताया जा रहा है बहुत पैसे लग गए, ऐसी बात चल रही है। उन्होंने 9 लाख रुपए मांगे थे। 9 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन इलाज के दौरान वो डॉक्टर भी सही नहीं थे। अच्छा। क्योंकि वो डॉक्टर भी बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था कि मैं बचा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, हम घेरे रखे, उसने बताया नहीं हमें। अच्छा। और इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। पहले शायद कितना, 1.5 लाख रुपए जमा भी करवाए? 1.25 लाख रुपए जमा करा दिया था। तो 9 लाख और बाकी 9 लाख रुपए 9 लाख इसलिए मांग रहे थे क्योंकि मरीज को खाली इनको लाना होता है। अच्छा। एक ही मरीज को लाके और ये सारे जो इतना बड़ा वो है वो सारे उसी से निकालते हैं। अगर कोई गरीब हो या अमीर हो, सब उसी से निकालना है। तो आपका कहना सबसे पहले 3 लाख रुपए बताए थे। अच्छा। और जब 3 लाख रुपए का हमने चलो इधर विधर से करके कर देंगे, 1.25 लाख रुपए जमा कर दिया, उसके आधे घंटे बाद इनकी डिमांड बढ़ गई, 6 लाख 6 लाख बना दिया। फिर उसके बाद जब इतनी बड़ी, हमें मरीज को दिखाया नहीं जा रहा था और उसके बाद इन्होंने बिल बना दिया 9 लाख का, मतलब 9,95,000, मतलब 10 लाख के समथिंग। तो जब हमें उसको दिखाया नहीं जा रहा था, तब हमें शक हुआ कि भाई पैसे ये बताए जा रहे हैं और अभी नहीं जमा किए तो इलाज रुक जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें धमका भी रहे थे, डरा भी रहे थे। और हम इधर विधर से हाथ पैर मार के, मतलब इनके जो चोट लगी है उनके चोट लगी है उसको भी नहीं देख रहे थे और उसी वजह से इन्होंने पैसे की डिमांड ज्यादा कर दी। बाकी अभी आपके सामने है हमारा जो ले जाया जा रहा है। जैसे कि अखबार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लगभग गवर्नमेंट के खिलाफ कर बना दिया गया, वैसे पुलिस इस मामले में सख्त है, जब आरोप पड़ जाएंगे ऐसा कल पुलिस प्रवक्ता ने कहा है। चलेंगे